तो भाई साहब जुम्मे का दिन हो और बिरयानी ना हो भाई, आप सबको भाई की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो भाई। तो आज है जारिब की शादी, तो अभी नहीं है, अभी दोपहर में इतनी धूप में शादी नहीं होती भाई, रात में शादी है तो हमें रात में जाना है। अभी हमारे कपड़े भी आने हैं और वही सेम रूटीन, शादी में जाना है बस, सेम लोग, बातें सेम नहीं, बातें शायद कुछ और भी हो सकती है भाई। चलो फटाफट से अपनी बिरयानी खाते, फिर उसके बाद देखते हैं। 2000 years later भाई साहब मगरिब भी हो चुकी है, सो हे फ्रॉम व्हाट्सएप, कैसे हो आप सब, सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का सीन बहुत ही फिट होने वाला है क्योंकि आपके भाई के कपड़े बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सबको पता भाई, आपका भाई ब्लैक में बड़ा ही कोई इंतहा का बला का खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए आज हमने बारात वाले दिन पे ब्लैक चूज किया है। वाह आप सब देख सकते हो भाई, ब्लैक के अंदर ब्लैक, वाह। उसको जल्दी से अनबॉक्स करके देख। चलो भैया आजा, इधर है, बड़ी प्रोटेक्शन है भाई इनकी, ये तो खुलने में बहुत टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं, इसी ब्लॉग में तो मैंने पहनना है तो मैं आप लोगों को वहां दिखा दूंगा, इतना बड़ा कोई मसला थोड़ी भाई। अभी हमें नहाना है, तैयार होना है, फिर उसके बाद बाल बनवाएंगे। मैंने बोला भी था वही सेम रूटीन, फिर पॉलर, पॉलर से शादी में कुछ अलग होगा लेकिन। और मैं आप लोग को अपना आउटफिट दिखाने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो फटाफट से चल के नहा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और हमने फाइनल किया सैलून, और अभी मैं आप लोग को मिलवाती हूँ स्पेशल गेस्ट। अरे भैया हमारे स्पेशल गेस्ट अब अच्छा रुक जाओ। हाँ नहीं 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 नहीं, मम्मा तैयार हो रही है। अच्छा, शाक इसके मेरे फोन में इसका शाक लगा हुआ था, वो बंद हो गया ना, तो बेचारा रो रहा है, तो हम वो लगा देते हैं। भाई साहब फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब आप लोग बोलोगे क्या ये पहन के जा रहे हो? नहीं भाई, नीचे ड्रेस पैंट पहनी और इस टी शर्ट के ऊपर मैं ये पहनूंगा, ये पीछे ही मैंने हैंग किया भाई, ये अभी तो नहीं पहनूंगा। अभी जाएंगे हम बाल वगैरह बनवाने, फिर उसके बाद जब तैयार हो जाएंगे, हॉल पहुंचेंगे, फिर जाके मैं ये वेयर करूंगा। कल मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी तो खड़ी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा गर्म कर लूं फिर चलते हैं। ये देखो ये बच्चा, इसको ऊपर कर रहे ना तो ये तो हंस रहा है। फाइनली हम अपनी सीट पे बैठते हैं, हम यहाँ पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से जल्दी से बाल वगैरह बनवाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आज हम अपने बालों का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं। ना तुम सुधर रहे हो, ना कोई काम हो रहा है, ना बाल बन रहे हैं, बस बुला के ख्वार करवा रहे हो बस। सही है, फिर बोल दो लोगों को नहीं है शोएब सैलून, जल्दी आ जाओ जल्दी। आज हमने लुक डिफरेंट रखना है, थोड़ा सा रफ रखना है, बस चिपकाना नहीं है, आज मेहनत नहीं करनी। भाई जल्दी आ जाओ, टाइम बहुत कम है। तो भाई बाल बनवा लिया, अब हम निकल गए पॉलर के लिए। बाल आप लोग देख सकते हो यार, वापस से वही बन गए, मुझे लग रहा है हमने कोशिश की थी कि थोड़ा सा चेंज करें, यार ये तो फिर से वही बन गए। अब वली में का ना कुछ डिफरेंट करेंगे, बेड शर्ट लाइट कराएंगे, वापस बॉय वाले लुक में आएंगे। थोड़ा ना वो यकीन करो, ऐसा लग रहा था कि वाकई में शादी हो गई है। वो शादी हो गई है तभी तो पॉलर जा रहे हैं बेगम को पिक करने। पॉलर तो अब हम पहुंच गए, लेकिन मुझे पता है मजीद 10-15 मिनट तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा। तो 15 मिनट्स लेटर भाई तैयार होके आ गए माशाल्लाह। मुझे किसी ने कमेंट में बोला था जरूर बोलना आहा आहा। भाई आज तो हमारे साथ मेहमान भी है माशाल्लाह, अपने अब्बा के बत्ता, मतलब आज तो मुझे देखभाल के ड्राइव करनी पड़ेगी। आज आप अपनी भाभी के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए गाना गाएंगे। यार क्या गाना गाऊं? बीबी नंबर वन, भाभी नंबर वन, बीबी नंबर वन, भाभी नंबर वन। गुड गुड। लोगों ने पहले ही बहुत देर कर दी है तो हमें जल्दी से फटाफट पे वेन्यू पे भी पहुँचना है, तो बगैर किसी बातों के हम सीधा चलते हैं वेन्यू पे। भाई बासिल है अपने चाचू के पास, हमारे साथ जा रहे हैं, उनके अब्बू नहीं आए अभी, आ रहे रास्ते में। भाई साहब फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये इनके अब्बा को इनके हवाले करता हूँ मैं। जान हसीन आपकी, अरे मेरी जायदाद। तो भाई हमारा सबसे पहला जो काम होता है यहाँ आने के बाद वो है शूट, क्योंकि हुलिया खराब हो जाएगा, कपड़े उपड़े सब बिगड़ जाते हैं अगर हमने डांस किया, दूल्हे की एंट्री हुई तो इससे पहले शूट करा लेते। आप देख सकते हैं माशाल्लाह आज मेरी बेगम तो वाकई में बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी में, मेरे शौहर इतने हसीन लग रहे हैं। आज तारीफ तो करोगी? नहीं आज वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरे हिसाब का हेयर स्टाइल बनवाया आपने, ये तो गलती से बना है हेयर स्टाइल, बना कुछ और रहे थे। ये आउटफिट देख सकते हैं इनका, चलो और जल्दी से शूट करा ले। आ जाओ भाई तस्वीरें खींचो, कपल शूट, माय गॉड कपल शूट, ओह नाइस। दूल्हा दूल्हा लग रहे हैं लोग तो। ओए दूल्हा दूल्हा ने भगे तो फ्यूचर भाई, फ्यूचर दूल्हा दूल्हा नहीं हो, फ्यूचर वही बोला है भाई, वही बोला है भाई। हमारा शूट तो हो गया एक डन और यहाँ पे शूट हो रहा है। आज तो बॉय पिक्चर्स खिंचवा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हो यार। ये बेगम की फरमाइश करनी पड़ती है भाई। चश्मा उतारो ना, क्या नाम है आपका? नाम चश्मा उतारो ना, मेरा नाम है सुल्तान सलीहुद्दीन सुल्तान। चश्मा तो उतारो, क्या नाम है आपका? चश्मा लगाओ ना। नहीं उतारो, उतारू हाँ। माय नेम इज मास, तेरी। और भाई साहब आप लोग देख सकते हो यार आज कितना प्यारा लग रहा है सब, कितना प्यारा अरेंजमेंट वगैरह हुआ हुआ है।
ये पूल तो इनको याद रहेगा जमाने भर तक, सदियों भर तक। लेकिन यार जगह को कैसे यूटिलाइज किया हुआ है, मैं ये देख के ना मैं हैट्स ऑफ जिसने भी किया यार। भैया शादी में क्या प्लान है, मेरे तो बहुत भूख लग रही है और मैंने मेहंदी में खाना नहीं खाया था, आज लाजमी खाऊंगा। हाँ भाभी हमारी रील बनवाए तो फिर हम बनवाए रील। तो यार भाई आ जाओ रील बना ले जल्दी, उस वक्त से पिक्चर हुई थी, रील अभी बाकी है मेरे दोस्तों। शूट वगैरह हो गया, हम लोग जा रहे हैं एंट्री की तरफ, पता नहीं बाहर जाना है भाई। विराट कोहली भाई बाहर बाहर है अब अभी से। भाई ये देखो ये कौन है, इस बंदे को आप लोग जानते हो? हाँ भाई इवेंट में ही मिलते हो, उसके अलावा नहीं आते। आवाज नहीं आ रही ऐसी बातों पे। गेट से बाहर आया हुआ है। ये फूलझड़ी हमें मिल चुकी है और हम ये फूलझड़ी चलाएंगे, जो वो है दूल्हा है उस पे हमने पत्ते फेंके थे, अब हम फूलझड़ी चलाएंगे। आज ये आ गई है दुल्हन, पानी दे गई ड्रेस पे ना गिरे यार। भाई अब आ रही है दुल्हन की एंट्री की, भाई सब फूल जड़ियां जला के एंटर कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह नसीब अच्छे करे, दुल्हन हमारी एंटर हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुकान चलाने आ गया। मैं अपनी दुकान चलाने नहीं, आपकी दुकान सुबह 5 बजे जो खुली है ना, पहले देख लिया है, पता है ना। ओहो मेरा शॉल भी लेके आए, ये मुझे पता नहीं किस लड़की ने पकड़ा दी, पता नहीं मुझे अबे इसको कंटेंट मिल गया, फूलझड़ी मिल गई, कंटेंट खत्म। लोग इधर ही गाइस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई फाइनली फाइनली दूल्हा दुल्हन स्टेज पे पहुंच गए हैं। भाई हमारे डिजाइनर भी आ चुके हैं, माशाल्लाह आउटफिट आपका लग रहा है, ये आपने अपना अच्छा बना दिया। नहीं 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 बराबर है, बराबर है, कलर ज्यादा है मेरे में लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे एक फोटोग्राफर है आदिल बाजवा, जो कि लाहौर से स्पेशली आए हुए हैं। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ इनसे, आप लोग जानते होंगे भाई लाहौर वालों इनको बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे मिलके भाई से बहुत अच्छा लगा। भाई भाई आपको अच्छा लगा? लेकिन ये भाई भी दूसरों की तरह सोचते हैं, पिक्चर देर से दी थी इन्होंने। यार ये तो मत बोलो यार, आपका ही दोस्त है जिसको मनाने में हम लोगों का कल सारा दिन वेस्ट हो गया। अच्छा पोल नहीं खोलो, पोले नहीं खोलो। हाँ, नहीं मैं नाम नहीं लूंगा उसका। लेकिन अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक लड़का तो हल्के ही नहीं आ रहा भाई, शादी में आके बबले खा रहे हैं, बबले हद होती है, बबले खा रहे हैं यहाँ पे आके। शेडी लग से शेडी लग से अच्छा ही लग रहा है यार। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बबले खा रहे हो यार इस ड्रेसिंग पे, अच्छा लगता है। आप देखो एक सेकंड थैंक यू यार। आ रही है घोंसला बनाने, घोंसला बना हुआ है अंडा देने। खाना लग गया अबे, पागल हो गए क्या? नहीं लग गया होगा, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पे दानिश सर भी आए हुए थे, हम लोग उनसे भी मिले और पिक्चर वगैरह भी खिंचवाई। मतलब भाई आज इवेंट अच्छा है और मजा आ रहा है, बस ये कॉपीराइट का मजाक होता है ये साउंड वगैरह के लिए। अगर बस ये गाने बंद हो जाए ना तो व्लॉग ऐसा बने। ये क्या लिखा हुआ है, टू द मून एंड बैक, आई लव यू कांग्या यहाँ से। अच्छा फूल का मतलब आई लव यू होता है। ये जो ड्यूटी होती है ना, आपको सलाम है भाई। भाई खाना खुल गया भाई जान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई साहब खाना खुल चुका है भाई, बिरयानी है, टिक्के हैं, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, रोटी है, नान वगैरह है और ये गाजर का हलवा। ये मैंने निकाला अपना पहला खाना और ये है इनकी प्लेट।
सब्सक्राइबर से खाना निकलवाया तुमने? जो 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 निकालेगा वो मेरी प्लेट में लाजमी निकालेगा। अच्छा, ये रूल है। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आज खाना खुद ले आऊँगी। आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये नौटंकी की, ये पता है कौन सी? कौन सी? पता है, लेकर आगे शो और अब मैं बोलूंगी बोलेगा ये लो। मुर्गी की टांगे लेके घूम रहे हो, 300 रुपए की एक है। बताओ जल्दी से कुछ लाना है तुम्हारे लिए। बिरयानी में आलू? सही है, ओके लेके आ रहा हूँ। चलो भाई आप मेरे साथ चलो यार, मैं अकेला लेके आऊंगा, क्या मतलब? खाना खाओ यार, यहाँ बैठे हो आप। थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा भाई, लोग आए हुए आज बहुत। टोइंग टोइंग। ये खाना मैं और सभा ने निकाला, जल्दी आ जाओ। समी भाई ला रहे हैं बाकी बिरयानी। आ जाओ आ जाओ खाना। अच्छा निकाल के लाए। अभी इतना सा समोसा। हाँ ना, ये वन बाइट है। मैं ले आया खाना, बिरयानी आ रही है तुम्हारी। ये जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब आपको नसीब होगा। अभी नहीं भाई, अब नान और चिकन चाहिए। और फाइनली खाना पे, ये तो तुमने किया ही नहीं यार, मेरे लिए कुछ बचाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। चलो भाई अब चुपचाप से खाते हैं हम अपना खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मेरा वीडियो बनाया जा रहे हो आप? अच्छे लग रहे हैं। सेम ऐसे होता है, आज मैं आपकी वीडियो बना रही हूं। आपने तारीफ कर दी। थैंक यू सो मच। अच्छा शुरू में कर दी थी? शुरू में कर दी थी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आंखें क्यों फड़क रही हैं? भाई थैंक यू सो मच। अपने चैनल का नाम बता दें आप, इसलिए दिया है भाई। जाओ जाके भाई को सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू सो मच। वे तुमने फौरन खोल के खा भी लिया? अच्छा अच्छा अच्छा, खोल के देखो इसमें क्या है। हटो हटो, दिखाओ 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 दिखाओ, कोई देख ना ले, चुपके से खाना। ये खट्टा और मिर्च वाला पापड़ है। एक करोड़ से खा लिया। मेरे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, हीरे थे इसमें। चलो घर चले आ जाओ। तो भाई ठीक है, जा रहे हो, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखो अपने, ख्याल से जाओ। चलो भाई अल्लाह हाफिज। इसको मैं बोलता हूं, बोलो भाई। शेर भाई लेकर आए थे आपको, जल्दी बोलो। शेर भाई मतलब चाचू मामू। चलो जाओ अभी, बाद में कर लेंगे। सब अल्लाह हाफिज। डन डन डन, कोई मसला नहीं है, सब चलेगा। चले क्या यार? यू हम ना, हाय ओ अल्लाह हाफिज बाय, टेक केयर। अफसा चलो ना यार, ये तुम नहीं, यही काम में आया भाई। और से बोलोगी तो खींच ही दूंगा। हेलो, सीधी खड़ी हो, ये लो खींच गई। अरे भाई थक गया हूँ पिक्चर्स खींच खींच के। कभी कोई आता है हमारी पिक्चर खींचो, कभी कोई आता है हमारी पिक्चर खींचो, और तो और कभी कोई आता है हमारे साथ पिक्चर खिंचवा लो। तो इससे तो भाई थक गया हूँ। एक इवेंट रहता है, उसके बाद तो मैं टाटा बाय बाय कह दूंगा भाई। ये लोग तो यहाँ पे फिर से शुरू हो गए भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सारा सिस्टम तो यहाँ पे खत्म हो गया, क्या करें भाई, चलना है। लेकिन हाँ ना, और लेट हो जाएगी रुखसती। अभी देखो वहाँ इतना ट्रैफिक है वैसे भी। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमसे भी ज्यादा प्यारी लग रही है आंटी। जो बात है, प्यारी लग रही है आंटी, इतनी खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब को सब मेरी बेटी समझते हैं। सब बोलते दूसरी बेटी का है आपके, नहीं पता सभी का कि फ्रेंड है, मिलती बहुत है। आप लोग नहीं जा रहे घर अभी? पता नहीं भाई, जब हमारे बच्चे बोलेंगे जब भी जा सकते। ये तो मसला है, अब तुम्हें बैठना पड़ेगा हमारे साथ। ये भी परेशान हो, एक बच्ची के साथ था ये। अच्छा मुझसे दोस्ती कर लो। अच्छा आपने दोस्ती कर ली, वाह भाई। सलाम दुआ करते फिर निकलते हैं। फाइनली मौका मिल ही गया स्टेज पे आने का। आमना ने मुझे बोला जी जाऊंगी रोना से। ये रोना है? अच्छा 500 नहीं, थोड़े 800 800 सही है। मुझे रोने के कितने पैसे देंगे? रोने के मैं पैसे वाली वो 800 वो दे रहे हैं, अगर 1000 देंगे तो मैं हंसूंगा। नहीं मैंने हमारे वाले मेरे पैसों के अलावा खसूस चीज रखी थी, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी शुरू से वही था, वो तो मिलनी नहीं है। चलो भाई आ जाओ, पिक्चर्स वगैरह खींचते आ जाओ भाई। सारी दुनिया एक तरफ और ये देखें आप, यहाँ ब्लॉग बन रहा है एक तरफ। मैं ही बात कर रहा था कि आप क्या मसला हो रहा है यार? मसला ही हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? वो मस्त शब्द तो होशियार है, वो टाइम पे निकल लिया। होशियार तो है वो, लेकिन उसका सबसे अच्छा ये कि काम करने निकल गया वो। हाँ काम वो पहले अहमियत दे, अब यहाँ पे काम निपटा दिया। हाँ। अब वहाँ जाके काम निपटाएगा तो वो फ्लो बना हुआ है काम का, फ्लो बना हुआ है, हम फ्लो में ही नहीं है। खाली हो गई लगता है, आ जाओ तस्वीरें खिंचवाएं बस, फिर निकलेंगे यार। भाई मुझे तो लग रहा है अब रोना धोना स्टार्ट होने वाला है यार। आप रो के दिखाओ पहले मुझे, प्लीज आप रो, थोड़ा सा रो, फूलों में जा, घुस घुस के रो। कहाँ से बन रहे हो? अरे भाई भाईजान, एयर ड्रॉप कर रहे हो क्या? एयर ड्रॉप कर रहे हो क्या? लाली गई है। अच्छा फिर सही है, चले भाईजान सही है। बहुत बहुत एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हुआ, आप थोड़ा सा टाइम निकाले। अल्लाह दोनों को बहुत खुश रखे, बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए। बाकी वलीमे में हम मिलेंगे एक अच्छे लिफाफे के साथ।
आपके साथ में लिफाफा नहीं चाहिए। नहीं 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 मुझे भी गणेश की वजह। चलो चलो आ जाओ। भाई फाइनली इवेंट वगैरह हुआ खत्म, हम थक भी गए, अब घर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अब इंशाल्लाह वलीमे वाले ब्लॉग के साथ।